ASN24 पल पल की खबर। अवैध रूप से हथियार रखने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पिस्टल नुमा देसी कट्टा बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि दुर्पा रोड निवासी रज्जाक खलीफा हथियार बेचने ग्राहक की तलाश कर रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसे सर्वमंगला चौक से गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में और भी आरोपियों के पकड़े जाने की बात कही जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रज्जाक नाम का दुर्पा रोड निवासी कोतवाली थाना क्षेत्र में ये मौजे बेचने के प्रयास में घूम रहा है, तो इसको पुलिस खुद ही ग्राहक बन के इसके पास गई और फिर इससे मौजे बरामद किया गया है और 25 आर्म्स एक्ट में इस पर कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में क्या बातें सामने आई, कहां से लेके आया था और क्या अभी इसका जो मौजे का बिहार लिंक मिला है, इसमें एक मुख्य सप्लायर फरार है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा तो सारी कड़ी खुलेगी। इसमें कहां से पकड़ा गया सर? ये यहीं कोतवाली क्षेत्र दुर्पा रोड में। कैसे, कोई पुराने आपराधिक मामले हैं या इस मामले में अभी जाने? इसका आपराधिक रिकॉर्ड मिला नहीं और रिकॉर्ड इसका खंगाला जा रहा है, जैसे रिकॉर्ड मिलेगा इसमें जुड़ेगा। सर कुछ ऐसे बातें भी सामने आई कि इस कट्टे को लेकर क्या कोई वारदात का अंजाम देने वाला था, कोई फिराक में था? ये अभी तो जो मुख्य रूप से सामने आया कि ये बेचने के प्रयास में घूम रहा था और निश्चित रूप से अगर किसी गलत हाथों में पड़ता तो ये कोई घटना को कारित भी कर सकता था। इसमें KSN 24 न्यूज के लिए कोरबा से संतोष तिवान की रिपोर्ट।